Himalaya Quista Pro has superior protein way. The healthy way to fitness. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दिल्ली तक पर। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक ट्वीट करते हुए बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये किया है कि दिल्ली में अब जो है कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण काफी ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण पर हम बात करें उससे पहले ये बता देते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए क्या ऐलान किया। दरअसल उन्होंने ऐलान उन श्रमिकों के लिए किया है, उन मजदूरों के लिए किया है जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, क्योंकि अब सरकार ने कंस्ट्रक्शन करने के लिए मना कर दिया है, कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो इसी के साथ श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए उनकी तरफ से एक ऐलान किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी मजदूर हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, उन्हें 5,000 रुपये प्रति माह उनकी सरकार की ओर से दिया जाएगा। क्या उनका एग्जैक्ट ट्वीट है वो आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली भर में निर्माण गतिविधियों को रोक दिया गया है। मैंने श्रम मंत्री श्री मनीष सिसोदिया को इस अवधि के दौरान प्रत्येक निर्माण श्रमिक को वित्तीय सहायता के रूप में 5,000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्देश दिया है, जब निर्माण गतिविधियों की अनुमति नहीं है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि दिल्ली के अंदर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, और ऐसे में जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें फिनेंशियल हेल्प का, फिनेंशियल सपोर्ट का भी उनकी तरफ से ऐलान किया गया है। उन्होंने, जो श्रम मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्हें निर्देश दिया है कि मजदूरों को प्रतिमाह 5,000 रुपये दिए जाए ताकि उनकी एक तरह से वित्तीय सहायता की जा सके। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर पिछले लगातार कई दिनों से जो एयर क्वालिटी है दिल्ली की, वो बहुत ही वेरी पुअर स्टेज पर है, हजारियस स्टेज पर पहुंची हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में जब प्रदूषण का स्तर इस तरह से बढ़ा हुआ है, तो उसके बाद सरकार यहाँ बड़े कदम उठाती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ जो है कंस्ट्रक्शन बंद करने का ऐलान कर दिया है, मजदूरों को 5,000 रुपये देने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के लोगों से भी कई तरह के निवेदन पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी किए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप अगर दफ्तर जा रहे हैं तो आप कारपूल कीजिए, अगर आप कर सकते हैं बाइक पूल कीजिए। इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम अगर पॉसिबल है तो वो भी करने की कोशिश कीजिए। कई अपील उनकी द्वारा की गई, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो ये ऐलान है श्रमिकों को 5,000 रुपये देने का, उस पर भी उन्होंने अपनी बात कही। मैं बार बार पहले दिन से यही बात कहता हूँ कि प्रदूषण की समस्या का समाधान एयर सेट के समाधान से होगा, और एयर सेट का समाधान संयुक्त रूप से प्लान करके होगा। उसके लिए केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा। चुपचाप कमरे में बैठ जाने से नहीं होगा, या केवल अरविंद केजरीवाल को गालियां देने से नहीं होगा। साइंटिफिक रीजन है तो साइंटिफिक समाधान चाहिए, और समाधान के लिए सबको सहयोग करके संयुक्त कार्य योजना बनानी पड़ेगी। पिछले साल भी हम लोगों ने किया था कंस्ट्रक्शन, जब हमने बैन किया था, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनके लिए जो है रोजी रोटी का संकट पैदा होता है। तो ये स्वागत योग्य कदम है कि जिससे कि, चूंकि पोल्यूशन की समस्या की जो लड़ाई है उससे वर्कर्स को प्रभाव ना पड़े, तो इससे मुझे लगता है कि एक वर्कर को सहयोग मिलेगा। तो दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर रोक लग गई है, और जो श्रमिक हैं उनके लिए दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने 5,000 रुपये उन्हें वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।